नमस्ते सर। सर आप बैठे रहिए प्लीज। सर सबसे पहले तो हमारे पूरे देश को अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम हवलदार जीडी अरुण सुसर है। मैं महाराष्ट्र का बुलढाणा जिले का रहने वाला हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ? ये सर मैं 122 बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। हमें इंफॉर्मेशन ये मिला था कि 8-10 आदमियों का ग्रुप नेशनल पार्क डाची गांव में, वो गांव में शाम को खाना लेने के लिए आएंगे, मगर हमारे वहां जाने के लिए थोड़ा देर हो गया। दो आतंकवादी उस जगह से निकल गए जहां हम लोगों ने अंबुश लगाया था। तो वहां हमने उनको थम करके पुकारा तो उन्होंने हमारे ऊपर डायरेक्ट अंधाधुंध गोलियों से फायर किया। उसी समय मुझे पाए पर में 4 गोलियां लगी। लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं चला कि मुझे गोलियां लगी या नहीं लगी है। 4-5 मिनट के बाद में मुझे पता लगा कि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हाथ लगा के देखा तो पूरा हाथ मेरा खून से लथपथ हुआ। लेकिन आतंकवादियों को हमने भी उसी समय में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरें और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बांधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। क्या बात है। श्यामला मातरं वंदे।
क्या बात है भारत माता की जय। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के जमी पे लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम्हें एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हैं मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। वाह। मेरा करमा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आपकी परफॉर्मेंस में 100% सच्चाई गूंज रही थी। बहुत बहुत अच्छा लगा, ये मेरे हिसाब से अब तक का आपका बेस्ट परफॉर्मेंस। वेरी गुड।
अनुष्का, मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगी। मैं भी दूंगी। Why not? Come on, you deserve. नमस्कार सारे भारत के देशवासियों, मेरा नाम कैप्टन जोया अग्रवाल है और मैं बोइंग 777 पे हमारे ध्वजवाहक एयर इंडिया के साथ कमांडर हूँ। पायलट बनने का सपना मेरा तब का है जब एक छोटी सी 8 साल की जोया हुआ करती थी और वो छत पर बैठ के सपने बुना करती थी सितारों को देख के। वो तुर्जा 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 तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी। 2004 में मेरा भगवान की दया से एयर इंडिया में हो गया एडमिशन और मैं उस समय वन ऑफ द यंगेस्ट थी टू गेट इनटू एयर इंडिया। 2013 में मैं बोइंग 777 की बहुत छोटी उम्र की कप्तान बनी और आज 2021 में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भारतीय सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, हमारी सारी एयर इंडिया मैनेजमेंट की, मेरे सारे सीनियर्स की कि उन्होंने मेरे को और 3 और भारत की बेटियों को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम पहली बार विश्व में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से हमने उड़ान भरी और इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। बहुत बहुत नमस्कार आदित्य जी। जोया जी, इनिशियली ऑब्वियसली काफी आपको मुश्किलें सहनी पड़ी होंगी, उनके बारे में जरा बताइए। आदित्य जी, जिंदगी में अगर मुश्किलें ना हो तो फिर थोड़ा मजा कम आता है ना। क्या बात है, बहुत लंबे टाइम से एक सपना था नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरना और ये जब सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान हमने सोची तो ये वाला जो रूट था बहुत ही एक एफिशिएंट रूट था और हमने ये सपना साकार करके दिखाया। सबका परिश्रम था इसमें इन्वॉल्व, तो बहुत ही अच्छा लगा और हमारी एयर इंडिया के मैनेजमेंट ने देश की 4 बेटियों को ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने ये सपना साकार करके इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। इस फ्लाइट की कंप्लीशन पे हमने भारत, एयर इंडिया और नारी एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का सबका नाम एकदम ऊंचा कर दिया। तो बहुत ही खुशी होती है और गर्व होता है मुझे सारी भारत की बेटियों के लिए और हम सबको आप पर गर्व होता है। एक बार फिर से स्टैंडिंग ओवेशन। सर नमस्ते, कैसे हैं? सर हमारी ऑडियंस को प्लीज अपने बारे में बताइए। मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने शायद भेष बदल कर ऑपरेशन करना, जिसे अंडरकवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह ना करते हुए कि वहां पर 25 से ज्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुंच गया कि उसके देश की 1 इंच भी मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान में जान है। और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद अपने 2 साथियों को बचाते बचाते छाती पर खोली खाने के बाद ये कहते कहते चला गया कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूँ कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूँ। मैं सुशीला शर्मा मदर हूँ मेजर मोहित शर्मा की। देश के प्रति उसका एक अलग सा लगाव था
उसने अपने आप को इतना मांझ लिया था फौज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई कितना सैक्रिफाइस कर सकता है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कोई भी टेररिस्ट के साथ रह नहीं सकता, वो सिंगल हैंडेड रहा है विदाउट मतलब एनी एम्यूशन। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की यार। उसका सबसे बड़ा जुनून यही था कि मुझे आतंकवादियों के साथ में ही लड़ना है। जब वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रह के अपने आप को उसने एक्सट्रीमिस्ट सो गया और पाकिस्तान में वो गया एक्सट्रीमिस्ट के साथ। और जब लास्ट मोमेंट पर उसको ये शो हो गया कि अब उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो गया है, AK-47 साइबर राइफल से उनकी रखी हुई थी, उसको उठाकर दोनों एक्टिविस्ट को इंस्टेंटली उसने दोनों मर्डर कर दिया। हमको खबर मिली थी कि आज वो शहीद हो गया देश के नाम पर। दुख था क्योंकि बेटा खोया है, लेकिन बहुत बड़ा गर्व भी था कि आज मेरा बेटा देश के काम आया है। जिस पर्पज से वो गया था रात फौज के अंदर, उसने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया है और मातृभूमि के लिए अपनी जान नौछावर की है। मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। उसकी जगह हमारे घर में ऐसी हो गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अब तक 10 साल हो गए उसको गए हुए, जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि शायद वो अभी आएगा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। हमारे घर में दिवाली शुरू होगी तो पहले दीपक उसका जलाया जाएगा। रक्षाबंधन है, पहले मेरी बेटियां पोतियां राखी भाई चाचा को बांधती हैं, फिर किसी रिलेशन को बांधती हैं। उसका बर्थडे होता है तेरे, हालांकि दुनिया मनाती है लोहड़ी के रूप में, तो मैं तो सोचती हूँ उसका बर्थडे तो सारा समाज मनाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये रूम ये पूरा मोहित का ही है, तो इसमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन लगता है हमें। मेरे ख्याल से अगर वो अभी भी होता तो यही कर रहा होता, मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉब्ली वो मेरे बगल में शायद गिटार लेके बैठा होता, बजा रहा होता, मेरे बच्चों को शायद गिटार सिखा रहा होता, या मेरे बच्चों को शायद बंदूक चलाना सिखा रहा होता, निशाना लेना सिखा रहा होता। आज मोहित हमारे साथ होता तो 43 इयर्स ओल्ड होता, उसके भी बच्चे होते, मेरे बच्चों के कजिन्स भी होते, घर में एक अलग तरीके की रौनक होती और ही वुड हैव बीन अ कर्नल नाउ। वो साथ होता तो हमारी लाइफ, हमारा परिवार और उसकी जो रौनक होती वो कुछ अलग ही होती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह था, सबका मन मोहने वाला, मोहित करने वाला था। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम।
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.